कानपुर देहात में गजनेर के नहोली गांव स्थित एक स्कूल में गुरुवार को नामचीन कंपनी का करीब 200 बोरी पान मसाला बरामद हुआ है। इससे पहले स्कूल संचालक ने बच्चों को ये कहकर लौटा दिया कि उसकी मौसी खत्म हो गई है, अब 5 दिन स्कूल नहीं खुलेगा। तो पूरे मामले को लेकर पुलिस जब स्कूल पहुंची तो स्कूल संचालक पहले से ही फरार हो गया। पुलिस ने स्कूल का कमरा खुलवाया तो पान मसाला मिला। जीएसटी टीम के अनुसार बरामद पान मसाले की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है। फिलहाल पुलिस और जीएसटी टीम छानबीन कर रही है। कार्रवाई के दौरान मौके पर पुलिस फूड इंस्पेक्टर नायब तहसीलदार लेखपाल मौजूद रहे। देखिए, हमें पुलिस से सूचना मिली और पुलिस से सूचना मिलने के बाद जब मैं आया तो पता चला कि विद्यालय के अंदर किसी ने पान मसाले को डंप करके रखा हुआ है। तो नायब तहसीलदार साहब थे और पुलिस थी, सभी के सहयोग से उसको खोला गया, सामने खोला गया गेट को। जब खोला गया तो लगभग 200 झाल जो है बड़े बड़े, उसमें पान मसाला पान पराग का प्राप्त हुआ है, जो आप सभी लोगों ने देखा है सामने। और उसमें आगे की कार्रवाई हमारी एसआईबी टीम और सशस्त्र दल की इकाई मिलकर करेंगे।